Question: differentiate under root 1 minus x upon 1 plus x. So first of all, let y equal to under root 1 minus x upon 1 plus x. Now differentiate with respect to x. तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करने से ये होगा dy upon dx equal to differentiation of under root 1 minus x upon 1 plus x. तो इसमें हम चेन रूल यूज करेंगे और चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं ये अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन डी 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x मल्टीप्लाई डी 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx. तो इस फर्स्ट वाले में हम यूज करेंगे x टू द पावर n वाला फॉर्मूला. और अगर हम रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और इसमें एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. और इसमें हम कोसेंट रूल यूज करेंगे तो ये होगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स. और इसमें हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में हो जाएगा. तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई और ये होगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू और इस 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने से ये होगा 1. सो इक्वल टू और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स. और इसमें माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस दोनों के साथ तो ये होगा माइनस 1 माइनस एक्स और ये होगा 1 और प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. तो इसमें एक्स कैंसिल हो रहा है सो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू और ये होगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स. इन दोनों में दोनों का बेस सेम है तो अगर हम इसके पावर को इसको डिनोमीटर में लाएंगे तो इसके साथ माइनस हो जाएगा और इसमें 2 से ये 2 कैंसिल. सो इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3 अपॉन 2 आंसर.